और इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर देर रात नोबस्ता बाईपास मोरंग मंडी चौराहे के पास एक रेस्टोरेंट में आग लग गई है। आपको बता दें कि दो दिन पहले इस रेस्टोरेंट की ओपनिंग की गई थी और महज दो दिन के भीतर इस रेस्टोरेंट में आग लग गई। शुरुआती जांच में पता चल रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी है और मौके पर पुलिस बल और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ने मिलकर इस आग पर काबू पा लिया है और ये आग बुझा दी गई है। आप देख सकते हैं ये घटना देर रात की है, जहां पर एक रेस्टोरेंट में आग लगी और सबसे खास बात यह भी है कि इस रेस्टोरेंट की ओपनिंग महज दो दिन पहले हुई थी और दो दिन के भीतर ही इस रेस्टोरेंट में आग लगना कई सवालों को जन्म देता है। और साथ में फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम है, इसकी भी यहाँ पोल खुलती नजर आ रही है। और दूसरी बात ये निकल कर सामने आती है कि आखिरकार ये आग लगी कैसे। हालांकि प्राथमिक जांच में ये माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, लेकिन दो दिन पहले जिस रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन किया जाता है और उसके दो दिन के बाद ही ये आग लग जाती है, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। और हमारे साथ कानपुर नगर से दीपक यादव जुड़ चुके हैं, वो इस खबर पर विस्तार से बातचीत करेंगे और इस बारे में बताएंगे कि आखिरकार इस आग लगने की वजह क्या है और दो दिन पहले इस रेस्टोरेंट का शुभारंभ हुआ था। दीपक देखिए, आपको बता दें जिस तरीके से पूरा मामला देर रात का है, एक रेस्टोरेंट की ओपनिंग दो दिन पहले हुई थी, दो दिन बाद अचानक शॉर्ट सर्किट का मामला सामने आता है, उससे आग लग जाती है, पूरा जो है लाखों का नुकसान होता है। जो रेस्टोरेंट संचालक है वो भी अचंभों में एक तरीके से लगा हुआ है कि आखिर आग लगी तो क्यों लगी, क्योंकि दो दिन पहले ओपनिंग होती है, इसके बाद दो दिन बाद आग लग जाती है। हालांकि मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची, पहुंचने के बाद आग पर काबू पाया, नुकसान काफी हुआ है। अभी पुलिस से उसने बात की है कि आखिर आग लगी तो लगी कैसे, ऐसा कोई मुद्दा वहां नहीं था कि सार सर्किट से आग लग जाए, तो आग लगने से कई सवालिया निशान खड़े होते हैं, अब जांच के बाद ही कुछ आ जा सकता है। जी क्या लगता है, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि दो दिन पहले ही होटल का इनॉग्रेशन हुआ है और उसके बाद अचानक आग लग गई है, क्या जो दुकान का जो मालिक है, रेस्टोरेंट का जो मालिक है, उसको क्या किसी पर शक है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की वजह तो बताई जा रही है लेकिन आसपास की दुकानों की हम बात करें कि कभी प्रतिद्वंदिता का दौर चलता है, यानी एक दुकान खुल जाती है नहीं खुल जाती है, तो उस चक्कर में जो एक भड़ास निकालने की बात होती है, क्या वो कहीं ना कहीं शंका जाहिर की जा रही है। देखिए, इस दिशा में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जब रेस्टोरेंट संचालक से जो मालिक है उससे बात की तो उसने साफ तौर से कहा कि ऐसी अभी कोई आशंका नहीं है, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं अतत्व जो होते हैं अजगता तत्व उन्होंने आग लगाई हो, लेकिन हमारा किसी के ऊपर आरोप नहीं है ना, संदेह है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर आग लगी तो क्यों लगी और किस कारण लगी, क्योंकि दो दिन पहले ओपनिंग होती है, दो दिन बाद शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना तो बनती ही नहीं है। तो पुलिस से उसने साफ तौर से कहा है कि जांच करने के बाद ही हमको कुछ बताया जाए। हालांकि वो भी लगा अन्य अगल बगल की जो दुकानें हैं उनसे भी पूछताछ हुई है, लेकिन अभी प्राथमिक जांच में केवल यही साफ तौर से निकल के आया कि शॉर्ट सर्किट ही बताई जा रही आग लगने के कारण की। चलिए, बहरहाल सारी बात का खुलासा तो तभी होगा जब जांच की रिपोर्ट सामने आएगी। बहरहाल हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दीपक।